हेलो। हाँ जी बेटा, हाँ बाबू जी नमस्कार। नमस्ते भैया। बस ये जानना चाह रहा था बाबू जी, ये जो अभी हो रहा है आज, हाँ जो ये भारत बंद भी करा है और किसानों का ये बिल्कुल, हो रहा है, इस पे आपका क्या सोचना है? किस तरीके से, कोई सरकार ने कुछ गलत इसमें किया है या फिर ये? देखो देखो टीकम, आप लोग तो बेटा जी किसानी से जुड़े हो, तो इसको जी बारीकी से समझ भी लो, क्योंकि उत्तर आप लोगों को देना होता है। जी हमारी आवाज तो आप लोगों के लिए एक प्रमोटर का काम कर सकती है, लेकिन जी वजूद आपका बढ़ना चाहिए जब आप चैनल बनाकर आगे बढ़ाएं। जी इसमें गहरा मुद्दा ये था कि मंडी और बाजार की स्थिति पहले देखनी पड़ेगी। जी तो मैं आपको बताता रहा पहले से भी कि हाँ जी 1987 में मुझे पता लग गया था कि जो सारी लागत है उन पर बाजार का कब्जा हो गया है। जी चाहे हमने ट्रैक्टर खरीदा है, चाहे हमने पानी के लिए कोई साधन बनाया है, चाहे हमने खाद लिया है, चाहे बीज लिया है, चाहे दवाई ली है, सबके ऊपर बाजार की एक मनमानी है। जी दूसरी बात यह कि जब हम उत्पादन को बाजार में लेकर गए तो उत्पादन की खरीद, तोल, बिक्री, कीमत सब पर बाजार की मनमानी है। ठीक तीसरी बात, जब हम एक सामान बेचकर और 10 सामान अपने परिवार को चलाने के लिए, घर के लिए सामान लाते हैं, तो उस पर भी हमको बाजार के द्वारा जो भी काम होता है लाभ को लेकर पूरा खेल होता है। जी तो गांव की आर्थिक कमजोरी का या आर्थिक तरीके से दुर्दशा का जो कारण था, वो पूरा का पूरा बाजार और पूरी की पूरी मंडी की जो व्यवस्थाएं थी, ये थी। क्योंकि बिचौलियों का गैप इतना बढ़ता चला गया कि 20 साल से बराबर ये आवाज उठ रही थी पूरे देश में कि किस प्रकार से जो ये बिचौलिए हैं, जो किसान और उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में एक बहुत बड़ी खाई बन गए हैं, जी और जिसमें कंज्यूमर भी परेशान होता है और उत्पादक भी परेशान होता है, इसको कैसे ठीक किया जाए। जी तो इस सरकार की सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने इसमें बदलाव के लिए जो कदम उठाए हैं, ये बहुत जरूरी थे। इससे क्या हो गया, कुछ मुद्दे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत थी, जैसे एमएसपी डायल्यूट भी ना हो और वो संरक्षित भी रहे, इसके लिए इनको ध्यान देने की जरूरत है। जी और दूसरा, जो हमारा जो भंडारण है, जो राज्य स्तरीय एक व्यवस्था है कि किस प्रकार से किस उत्पाद को भंडारण में रखते हुए कंज्यूमर का भी ध्यान रखा जाए और जी किसान को भी उसकी कीमत ठीक मिल जाए, तो वो भंडारण कहीं जमाखोरी में न ट्रांसफर हो जाए, किसी प्रकार से वो किसी स्तर पर शोषण के लिए ना हो। तीसरी बात ये रखी गई कि यदि मंडियां बराबर बनी रहे और एमएसपी भी बनी रहे, लेकिन फिर भी किसान की आमदनी बढ़ाने का कोई जरिया और खोला जाए, तो इसमें कॉरपोरेट सेक्टर को लाया जाए। इसके दो विकल्प रखे गए, एक तो ये कि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी भी एक कॉरपोरेट के, रूरल कॉरपोरेट के डिजाइन में खड़ी हो जाए, और दूसरा जो कॉरपोरेट, बड़े कॉरपोरेट हैं जिनको बड़ी मात्रा में सामान की जरूरत है, तो वो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी नेटवर्क के जरिए अपने सामान को, क्वालिटी के सामान को खरीदने में समर्थ रहे, और ताकि वो अच्छे तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापार के साथ जुड़ी रहे। जी तो इस प्रकार से इस ये जो तीनों कानून थे, उनमें किसानों को आमदनी बढ़ाने का भी पूरा का पूरा ध्यान रखा गया। रखा ये गया कि कृषि क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को सुधार की बात थी, और इसमें एक बड़ा विकल्प ये भी था कि जिस तरीके से हम रसायन, मशीन और पानी का दोहन करते हुए जमीन के ही खिलाफ खड़े हो गए हैं, जो प्राकृतिक असंतुलन बढ़ रहा है, उसको भी कम से कम इसमें कम किया जाए, रासायनिक खादों के दबाव से कम बचा जाए, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के अवसर खुल जाए। ठीक है तो इसमें भूमिका तो सबकी ठीक है, लेकिन किसानों, छोटे लघु और सीमांत किसानों को तो इन चीजों का पता नहीं होता। जी दर्द तो इसमें बिचौलियों को था, और इन्होंने मोहरा बनाकर किसान आगे खड़े कर दिए। फिर सरकार ने भी ये बात कही कि भाई, हम यदि आप चाहते हैं कि कहीं आपको लग रहा है कि एसडीएम कोर्ट ठीक नहीं है, तो जुडिशरी में जाएं या कुछ और तंत्र बनाएं, तो इस पर हमको मुद्दे दीजिए, बातचीत करिए। अब बातचीत में रोजाना की बात बदल रही है। एक तो ये कि एमएसपी को ठीक करो, दूसरी तरफ कहेंगे कि कोर्ट को ठीक करो, तीसरी तरफ सारे रद्द करो। तो ये जो ये सोचने का मुद्दा है बेटा, कि ये विरोध से बात कर रहे हैं या किसानों के हित की बात कर रहे हैं। तो यदि किसानों के हित की बात कर रहे हैं, तो उनमें उनको सभी को शांति प्रिय ढंग से संवाद के जरिए से सारे मुद्दों को सुलझाने की जरूरत है, और बेहतर से बेहतर तरीके
देखिए कानून का मतलब यही है कि बेहतर से बेहतर वो तरीके लिखित लिखित रूप में आ जाएं जिन पर कोई भी अपनी मनमानी ना करे। तो इसमें आपको ऐसा नहीं लगता कि सरकार जो है जिस तरीके से अपनी बात लोगों तक पहुंचानी चाहिए थी, क्या उसमें कहीं कोई कमी रह गई? क्योंकि जैसा देखिए आप कह रहे ये हैं कि बात ये बिल्कुल आपने ठीक बात पकड़ी है। कारण क्या है कि जिस किसान के बारे में दर्द है उस तक तो आवाज पहुंचती नहीं देश में जी, क्योंकि राजनीति और बीच के जो बिचौलिए हैं बात को लपक लेते हैं। पैसा भी उनके पास है, मीडिया के सामने भी वही बोलते हैं जी। 80% से ज्यादा किसान लघु और सीमांत किसान है जिनका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो ये वास्तविकता में एक छोटा सा चूक रह गई है कि हम या सरकार या कोई भी, क्योंकि मैं तो सरकार के पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक प्रतिनिधि होते हुए देश में अपने उन किसानों तक इस बात को सीधे रूप में पहुंचा नहीं पाए। और एक ये भी घटना घटी कि जब कानून तो बदल दिए गए लेकिन MSP से नीचे बाजार खरीदता रहा, तो किसानों को लगा कि कानून का तो कोई फायदा हुआ नहीं, लुटाई तो वैसे ही चल रही है। तो यदि एक शक्ति हो जाती, एक संरक्षण मिल जाता है MSP को और छोटे किसानों को अवसर मिल जाता, तो अब उसमें सरकार को बिचौलियों के साथ भी बात करने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, किसानों के साथ भी और किसान नेताओं के साथ भी, क्योंकि विषय तो सभी का है। एक दूसरे को लूटपाट करके कहां तक कोई जाएगा? सही बात। बिचौलिए अपनी मनमानी पे अड़े रहेंगे, किसान का शोषण कब तक चलेगा? किसान भी खड़ा होगा ही, आज नहीं होगा तो कल खड़ा होगा। तो ये विषय सोचने के इसलिए है कि ये संवाद का मतलब ये होता है कि उस तंत्र से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं इस पर पुनर्विचार करें और सही रास्ते निकालें। ये जो धन की जो लूटपाट शुरू हुई है देश में जी, ये बहुत एक गलत प्रक्रिया शुरू हुई है बेटा। इसको जो इस पर आपको लिखना चाहिए कि हमने ना तो धरती के साथ संबंध को समझ रहे हैं ना आदमी के साथ समझ रहे हैं जी। जिसका भी जहां है वो उस पैसा बटोरने पर लगा है, यही मूल कारण है जिसके कारण ये विवाद खड़े हुए। कहीं ना कहीं एक और भी चीज है जो मुझे लग रहा है कि जैसे जो बिचौलियों को लगातार जो है, चाहे कोई भी किसान संगठन हो, चाहे सरकार हो, चाहे किसान हो, वो बिचौलियों को एक तरीके का दुश्मन उन्होंने बना लिया है। जबकि जो ये अभी आंदोलन चल रहा है इसमें मुझे जो लगता है उसमें बिचौलिए बहुत ज्यादा इसको प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो गया है कि वो ये उनका अपना तर्क ये है कि हम लोगों ने इतना सारा पैसा लगाया हुआ है, इतनी हमारी लेबर लगी हुई है और हम सारी मार्केटिंग करते हैं, तो उसके बावजूद जब हम उसमें से कोई मुनाफा कमा रहे हैं तो उस पे फिर सरकार को या किसान संगठनों को या किसानों को या उपभोक्ता को उससे पीड़ा क्या है? या तो ये काम जो है किसान कर ले। देखिए बेटा इसका उत्तर एक है बहुत बढ़िया जी, बिचौलियों से किया जाए कि आपको में आप काम करेंगे तो आपके मुनाफे को रोकने वाला कोई नहीं है जी। बात हो रही है कि आप जो मनमर्जी से लूट करते हैं, थोड़ा सा कट गया था, आप क्या बोल रहे हैं किसमें काम करेंगे? बिचौलियों से भी ये बात करने की जरूरत है कि व्यापारियों की एक भूमिका है, वो जो काम कर रहे हैं उसका भी हम सम्मान करते हैं जी, लेकिन सम्मान करते हैं कि आप जब सही सुनिश्चित करके पैसा कमाते हैं, जो लूट जो मस्ती है ना उसके खिलाफ है ना। आपने कभी ये ध्यान दिया है कि 2 रुपए किलो भी खरीद लें और बाजार में फेंक दें, वहां तक पहुंचा दें? जी जी जी। तो स्थिति यह है कि उनको भी सोचना पड़ेगा, वो उन्होंने पैसा लगाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है, तो किसान भी करोड़ों की जमीन लिए बैठा है, उसके भी जेब खाली है। हाँ, तो वो जो मुद्दा जो बात वो कह रहे हैं बहुत छोटी बात कह रहे हैं, उनको इशारा ये किए जाने की जरूरत है कि एक सुनिश्चित मापदंड आ जाए कि बिचौलिए का कितना होना चाहिए, किसान का कितना होना चाहिए, कॉरपोरेट का कितना होना चाहिए, कंज्यूमर का कितना होना चाहिए, तो तय करो ना। कानून की परिभाषा तो यही बोलती है। एक ये भी बात निकल के आ रही है, बहुत सारे जो लोग हैं वो इस तरफ भी वो कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे सारी चीजें चल रही हैं कि किसान को जो सरकार के आगे हाथ फैलाने से ज्यादा या फिर वहां पे किसान के साथ किसी भी तरीके से टकराव करने से ज्यादा ये है जरूरी कि वो खुद अपनी मार्केट तैयार कर ले और खुद कॉरपोरेट की तरह काम करे। लेकिन ये तो इसमें समस्या ये है कि किसान ये कहता है कि मेरे पास इतनी पूंजी नहीं है ना मेरे पास इतने साधन है। देखिए उसके लिए ना क्या है, वो थोड़ा सा दीर्घकालीन उपाय है
फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के बारे में जो सरकार बार बार सोच रही है वो एक रूरल नेटवर्क है जो कॉरपोरेट का ही एक छोटा डिजाइन है। लेकिन ये बात भी वास्तव में है कि उसके लिए ना तो हमारी बैंकिंग प्रणाली अभी सक्षम है जी, ना ही किसानों के पास इतना फंड है। लेकिन सरकार की नीयत बन गई है कि वो एमएसएमई के जरिए, एसएफएससी के जरिए, नाबार्ड को बीच में डालकर इस तरीके के तंत्र खड़े किए जाए। कोरोना संकट काल में हम लोगों ने ऐसा देखा कि कुछ जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी थी जिनको उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा बोर्ड के द्वारा बनाया गया था, वो खेती करते हुए जैसे लेमन ग्रास का था, उसका सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया, कुछों के पास और भी चीजें थी वो बनाना शुरू कर दिया। तो जब ग्रामीण स्तर पर भी हम छोटी पूंजी से भी किसी काम को खड़ा करेंगे तो वो आगे चल के बड़ा भी होगा। मानसिकता ये है कि गांव में मिलकर काम करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई, प्रवृत्ति नहीं है। हाँ, तो अब ध्यान ये देना पड़ेगा कि बदलाव तो गांव के लोगों को भी करना है ना जी। गांव के लोग यही कह देंगे कि सरकार के नियम बदल जाएंगे और हम ठीक हो जाएंगे, तो सरकार के नियम कायदे बदलने से बहुत बड़ी व्यवस्था में परिवर्तन नहीं होगा जी। हाँ, व्यवस्था में परिवर्तन का मूल आधार तो सोच है, सोच के आधार पर किसान भी अपने तंत्र को बदलेंगे। जैसे अभी एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, किसान उत्पादन से आगे की सोच नहीं रहा जी, कोई उनके पास लिखा पढ़ी नहीं, किसी तरीके की उनकी जिम्मेदारी नहीं, शिक्षित हो अपने शिक्षित बच्चों को भी खेती में लगाना नहीं चाहते जी। तो जब खेती को इस धर्रे पर लेके चलेंगे तो खेती की हालत क्या हो जाएगी? निश्चित बिगड़ेगी। शोषण के अवसर तो बढ़ गए, कभी हिसाब किताब नहीं लग रहा है। तो एमएसपी बहुत ही लोग बात कर रहे हैं, एमएसपी का सही मायने में अधिकार किसको है? जब रिटेल प्राइस का अधिकार किसी फैक्ट्री वाले को है, किसी प्रोड्यूसर जो प्रोडक्ट बनाते हैं उन कंपनियों को है, तो किसान ने पैदा किया तो एमएसपी का अधिकार किसको है? किसान को, बिल्कुल किसान को। अब किसान क्यों नहीं करता? ये मुद्दे की बात है, क्योंकि उसने कभी हिसाब ही नहीं लगाया। कहीं ना कहीं एक और भी चीज है इसमें कि जो जो किसानों के लिए जो ऋण तय किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, काफी बड़ी अमाउंट है वो, लाखों करोड़ों में जाकर के है, तो उसमें से जो वास्तव में किसान को मिलना चाहिए, जैसे अभी आपने एफपीओ का भी जिक्र किया है, तो वहां पे क्या होता है कि जो पैसा किसान को मिलना चाहिए जो सरकार के द्वारा अलॉट किया गया है वो वास्तव में किसान को तो मिल नहीं रहा है। जो बड़े कोई पूंजीपति है या कोई बहुत बड़ा किसान है उसकी तरफ ये चला जाता है, उस पे क्या है विचार? मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ कि ऐसे भी हमने देखा, किसान सम्मान निधि कार्ड पैसा ऐसे लोग लेने आते हैं जिनके पास में 10-10, 20-20 लाख की गाड़ियां हैं जी, जो अपने एक दिन की गाड़ी का कहीं भी 2,000 रुपए का डीजल खर्च कर देंगे किसी भी काम में जी। तो किसान सम्मान निधि उनको लेने की क्या जरूरत है जी? तो ये जो मन सारा खेल तो मानसिकता का ही है ना। तो इस पे सरकार का जो फोकस है वो तो इस बात पे ही होना चाहिए था कि जो ऋण उन्होंने तय किया है किसान के लिए वो वास्तव में उस किसान को मिल जाए जिसको जरूरत है। बिल्कुल, ऋण भी मिले, ऋण की छूट भी मिले, या कोई भी प्रमोशन है किसी प्रकार का वो सीधे किसान को मिले। सरकार सोच तो बहुत रही है, जैसे आप देख लें ना, अभी 2,000 रुपए भी खाते में गया सीधा जी जी, नहीं इस पूरे देश में बहुत बड़ी लूट हो जाती। लेकिन वो खाते में चला गया, सोच तो सरकार तो खूब सोच रही है। लेकिन समाज चेतना भी इसमें बड़ी भूमिका में काम करती है भाई जी। हाँ, तो अगर मैं इसको एक उसमें समअप करूं तो बिचौलिए और सरकार के साथ किसान, इन तीनों का एक क्लस्टर बनकर के कुछ हो सकता है या फिर सब अलग अलग तरीके से काम कर? नहीं नहीं बेटा, इसमें ये लिखना पड़ेगा क्लस्टर बनाई हुआ है, क्लस्टर को नियम कानून के साथ में किसानों को संरक्षित करना है, ये लिखना है। ठीक है। हाँ, क्लस्टर तो बनाई हुआ है। ये आज भी साथ साथ है, लेकिन अभी भी क्या है, सब एक दूसरे से असंतुष्ट है, मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पे है। हाँ हाँ, कानून का मतलब है कि मनमानी ना करें, एक दूसरे से असंतुष्ट ना रहें, एक दूसरे के लिए पूरक बने, एक दूसरे की मदद करें। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि वही अभी देखने में वही आ रहा है कि बिचौलिया किसान को दुश्मन समझ रहा है, किसान सरकार को बिचौलियों को समझ रही है, सरकार जो है वो बिचौलिए और किसान के ऊपर, और तीनों के आपस में बीते ही नहीं।
बिल्कुल बिल्कुल, तीनों तो एक ही उसके कहते हैं कि एक ही सिरे सिक्के हैं, के पहलू है। हाँ एक ही हाँ सिक्के के बिल्कुल पहलू हैं दोनों, तो बिल्कुल उसके बिल्कुल, बिना चलेगा नहीं। ठीक बात बेटा, बढ़िया। और कोई बात आप अपनी तरफ से जो कहना चाहते हो बस इसके? बेटा जी यही है कि किसानों को भी अपनी मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। जी और अब जो है ना, आंदोलन के रास्ते देश में नहीं चलेंगे, क्योंकि विरोध की मानसिकता से आंदोलन जो मुद्दे हैं उन उसमें मुद्दे भटक जाते हैं। मुद्दे भटक। तो हाँ, तो संवाद के जरिए बात को आगे बढ़ाया जाए। जी, हाँ, जैसे ये सुधार तो करवाए रहे थे एमएसपी में, और फिर अंत में बात बताने लगे कि अध्यादेश ही वापिस लो, तो मतलब फिर हाँ तो पता नहीं कि कर क्या रहे कर क्या रहे हो। हाँ सही बात सही बात। ठीक बढ़िया है बेटा, खूब अच्छे तरीके से चलाओ बात को, खुले मंच पे रखो। जी आपका जी जी आपका कद बढ़ना चाहिए, ऐसी कामना करता हूँ। जी बाबू जी, जी बाबू जी, बहुत ठीक है बहुत बेटा, धन्यवाद। पसंद टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें।